हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने चैप्टर नंबर 3 जो है इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट के पार्ट 1 के बारे में चर्चा करी थी, राइट। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, राइट। तो आज दोस्तों उसका सेकेंड पार्ट अपने डिस्कस करेंगे और दोस्तों रूल नंबर 3.29 जो कि है ट्रेजरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। दोस्तों, ट्रेजरी डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो प्रीवियस वीडियो के अंदर जो पढ़ाया था उसको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, राइट। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने पढ़ा था कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होगी? प्रेसिडेंट के पास। और दोस्तों, प्रेसिडेंट के पास क्या होती है? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स बोल दो, इसको कैबिनेट बोल दो, राइट। और इसके हेड कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री, यस और नो। दूसरा दोस्तों पढ़ा अपनोंने, स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो गवर्नर के पास होगी। और दोस्तों, इनके पास भी क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है एक, और जिसके हेड कौन होते हैं? सीएम होते हैं, राइट। दो बातें ये हुई। तीसरी दोस्तों अपनों ने पढ़ी कि ट्रेडिशनली जो है सारे फाइनेंस पे कंट्रोल जो होता था वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता था सेंटर के अंदर, और स्टेट के अंदर दोस्तों फाइनेंस डिपार्टमेंट का होता था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होती गई, फिनोमिनल ग्रोथ होती गई, राइट, पावर्स को क्या है? डेलीगेट कर दिया गया, राइट। और दोस्तों उसके बाद स्पीडी चीज़ों को करने के लिए, स्पीड से करने के लिए, इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग, मॉनिटरिंग, ये सारा काम करने के लिए हर एक मिनिस्ट्री के साथ क्या है? एक आईएफए अटैच कर दिया गया, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र। और दोस्तों वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में काम करता था। इंटरनल तो दोस्तों जो उसको पावर डेलीगेट है उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर। और दोस्तों एक्सटर्नल के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बिहाफ पे क्या है? वो जवाब देता है, राइट। इसके बाद दोस्तों चार नंबर में अपनों ने क्या पढ़ा था? वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो दोस्तों वेज एंड मीन्स एडवांसेस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक मैंने आपको लाइन आपको याद रखने के लिए बताई थी कि मेंटेन द गवर्नमेंट डेली कैश बैलेंस, राइट। गवर्नमेंट का दोस्तों जितना भी कैश बैलेंस है उसको क्या है? मेंटेन करना वेज एंड मीन्स एडवांसेस है, राइट। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या है, रिसिप्ट कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इसलिए एक पर्टिकुलर लेवल पर क्या है गवर्नमेंट को अपना कैश बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो दोस्तों वेज एंड मीन्स एडवांसेस की सुविधा है। और दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के केस में उन्होंने पढ़ा कि 3 मंथ इसका टाइम होता है, इसको वापस चुकता करना पड़ता है, ये सुनो। 5 नंबर पॉइंट दोस्तों उन्होंने पढ़ा जो प्रीवियस जो हमारे मॉडल पेपर के अंदर भी पूछा गया था, इसका सवाल क्या था? पावर टू रेगुलेट द पेमेंट्स ऑफ मनी इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड विड्रावल ऑफ मनी फ्रॉम द कस्टडी ऑफ, ठीक है, इस प्रकार का सवाल था। कुल मिला के सवाल दोस्तों ये था कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, पब्लिक अकाउंट से अगर आपको पैसे को रेगुलेट करना है, वहाँ से विद्रावल करना है, ठीक है, तो वो कौन सी एजेंसी करती है ये काम? तो ये काम दोस्तों पार्लियामेंट करती है, ठीक है। स्टेट की बात करूँ तो लेजिस्लेचर करती है, राइट। और दोस्तों यूनियन टेरेटरी की बात करूँ तो यूनियन टेरेटरी की जो लेजिस्लेचर होगी वहाँ पर वो काम करेगी, यस और नो। तो ये दोस्तों उन्होंने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो तक। आज चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने 3.29 नंबर पैरा तक जो कि है ट्रेजरीज, राइट। तो ऑल द स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो ट्रेजरी के अंदर दोस्तों सबसे पहले इसने क्या बोला? ऑल द स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो एकदम इजी सी बात है दोस्तों, सारे स्टेट्स जो है क्या है हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया क्या है दोस्तों? यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है, राज्यों का संघ है दोस्तों। राज्यों, सारे राज्यों को मिला के क्या बनता है? एक देश बनता है। और दोस्तों आगे स्टेट्स को किस में डिवाइड किया गया है? डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ठीक है। मान लो आप यूपी के हो, आप बिहार के हो, आप दोस्तों राजस्थान के हो, आप दोस्तों पंजाब के हो, आप हरियाणा के हो, आप दोस्तों महाराष्ट्र के हो, आप केरल से हो, ठीक है, आप दोस्तों कोई भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य से, अरुणाचल से हो, मेघालय से हो, मिजोरम से हो, त्रिपुरा से हो, राइट, कहीं से भी हो ऑल इंडिया, तो आपके दोस्तों स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स तो होंगे ही, ठीक है। तो हर एक स्टेट के अंदर दोस्तों क्या होता है? हर एक स्टेट के अंदर क्या है? डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, राइट। तो यही बात इसके अंदर बोली गई है कि ऑल द स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट्स देर इज अ गवर्नमेंट ट्रेजरी कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी विद वन और मोर सब ट्रेजरीज। तो दोस्तों क्या होता है? एट द हेडक्वार्टर ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, तो दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत सारी तहसील होंगी, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इंडिया था,
इंडिया के अंदर दोस्तों क्या आ गए, स्टेट्स आ गए। स्टेट के अंदर क्या आ जाएगी, डिस्ट्रिक्स आ जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों क्या आ जाएंगी, तहसील आ जाएगी। तहसील के अंदर क्या आ जाएगी दोस्तों, ग्राम पंचायत आ जाएगी। ग्राम पंचायत के अंदर दोस्तों क्या जाएंगे, गाँव आ जाएंगे, पंचायत समिति आ जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है, हमारा प्रोसेस चलता है। तो यही इसके अंदर बोल दिया, पहले बोल दिया कि स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, और दोस्तों उस डिस्ट्रिक्ट का जो एक हेडक्वार्टर ऑफिस होगा। ठीक है, मान लो यूपी है, ठीक है, यूपी एक स्टेट है। यूपी के अंदर क्या है, बहुत सारे ज़िले हैं, राइट। तो दोस्तों यूपी के अंदर बहुत सारे ज़िले हैं, तो इस पर्टिकुलर ज़िले के अंदर क्या है कि उसकी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी होगी। ठीक है दोस्तों, मान लो हरियाणा का एग्जांपल ले लूँ मैं। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर दोस्तों रोहतक ज़िला है। ठीक है, रोहतक दोस्तों ज़िला है, तो उसके अंदर बहुत सारे गाँव हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो ट्रेजरी होगी वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी जो होगी उसके हेडक्वार्टर के होंगी। जो पर्टिकुलर सिटी है, जैसे मान लो रोहतक है, तो उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी होगी, ना कि इसके सब गांवों के अंदर। ठीक है, और दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी हो जाने के बाद क्या है, एक या एक से ज़्यादा क्या है, इसकी सब ट्रेजरीज भी होंगी। ये सर नो। अगला है, द ट्रेजरीज सिचुएटेड इन ए स्टेट एज आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर कॉल्ड स्टेट ट्रेजरीज। ठीक है, और दोस्तों पर्टिकुलर स्टेट है उसके अंदर भी ट्रेजरी होगी, है तो बोल दिया डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी। ठीक है, एक स्टेट है दोस्तों, मान लो यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट की क्या है, एक स्टेट ट्रेजरी भी होगी। ठीक है, ट्रेजरी का मतलब कुछ नहीं है दोस्तों, बैंक का छोटा रूप है। ठीक है, जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है इनको ट्रेजरीज बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे दोस्तों बैंकों की शाखा नहीं होती वहाँ पे क्या है, ट्रेजरीज भी खोली जाती है। ठीक है, पेंशन डिसबर्समेंट का काम है दोस्तों, मान लो सेंटर के अंदर तो अपने डीपीडीओज जो है, मान लो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की बात करूँ, मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, उसका रिटायर्ड पर्सन है, ठीक है, उसको पेमेंट करनी है, तो वो क्या है, ट्रेजरी के माध्यम से ले लेते हैं वो। ठीक है, तो ये हुआ पहले डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी की बात करी, फिर क्या हुआ, स्टेट ट्रेजरी। ठीक है, द ट्रेजरीज आर द यूनिट्स ऑफ द फिस्कल सिस्टम एंड द पॉइंट्स एट विच द पब्लिक अकाउंट्स स्टार्ट। ठीक है, तो ट्रेजरीज क्या है दोस्तों, पब्लिक सिस्टम का क्या है, पब्लिक फिस्कल सिस्टम का क्या है दोस्तों, एक यूनिट है। फिस्कल सिस्टम मतलब पैसे का लेन देन, राइट। तो पैसे के लेन देन का क्या है दोस्तों, ट्रेजरीज एक हिस्सा है, उसकी एक यूनिट है। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, पब्लिक अकाउंट स्टार्ट होता है। ठीक है, इन टू दीज ट्रेजरीज आर पेड द, एक सेकेंड, इसमें देखिए दोस्तों, इन टू दीज ट्रेजरीज आर पेड द रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड फ्रॉम देम आर डिसबर्स्ड द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो दोस्तों जैसे बैंकों का काम है वैसे ट्रेजरीज का काम है। इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट की कोई भी रिसिप्ट है, गवर्नमेंट को कोई पेमेंट किसी को करनी है, ठीक है, तो वो जाके कर सकता है। और दोस्तों गवर्नमेंट को अगर पेमेंट देनी है, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट करनी है, तो ये ट्रेजरीज भी करती हैं। ठीक है, पैसे का लेन देन, जनरली व्हेन एनीवन हैज़ ए पेमेंट टू मेक टू गवर्नमेंट ही प्रेजेंट्स द मनी विद ए चालान एट ए ट्रेजरी एंड रिसीव्स ए पेमेंट फॉर इट। और दोस्तों क्या होता है, अगर गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है, ठीक है, तो जिस बंदे को पेमेंट चाहिए वो क्या है, ही प्रेजेंट्स द मनी विद ए चालान। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है, सॉरी, व्हेन एनीवन हैज़ ए पेमेंट टू मेक टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है तो वो क्या करेगा, चालान लेके आएगा। ठीक है, और दोस्तों ट्रेजरी के अंदर उसको जमा करवाएगा पैसे के साथ चालान को, और वो क्या है, उसकी रिसिप्ट ले लेगा, तो गवर्नमेंट के पास पैसा चला गया। ठीक है, सेकंड केस है दोस्तों, व्हेन वन हैज़ ए पेमेंट टू रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर दोस्तों गवर्नमेंट से पेमेंट लेनी है तो क्या करेगा, ही प्रेजेंट्स एट द ट्रेजरी ए रिसिप्टेड बिल और ए चेक। दोस्तों या तो रिसिप्टेड कोई बिल होगा उसके पास, राइट, सैंक्शन कोई बिल होगा अमाउंट का, या दोस्तों क्या है, उसके फेवर में चेक होगा। ठीक है, जैसे हम करते थे पहले, सीएमबी पेमेंट नहीं था तो हम क्या चेक काट के दे देते थे कि हाँ भैया ये चेक ले जा और इसको कोई भी फला फला ब्रांच के अंदर चला जा, ट्रेजरी के अंदर चला जा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तो इसकी क्या है, पेमेंट रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही इसके अंदर बोल रहे, या तो रिसिप्टेड बिल या कोई चेक दे देगा, इशूड इन फेवर बाय ए कॉम्पिटेंट ऑफिसर एंड ऑब्टेन्स पेमेंट फॉर इट। ठीक है, तो पैसा जमा करवा सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, राइट, समझ में आई दोस्तों बातें, आगे चलिए। इसी पैरा में क्या बोला गया है, अंडर द एग्रीमेंट्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ईच स्टेट गवर्नमेंट विद आरबीआई। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने और प्रत्येक स्टेट ने क्या है, आरबीआई के साथ क्या है, एग्रीमेंट किया है। क्या एग्रीमेंट किया है, द जनरल बैंकिंग बिजनेस ऑफ दीज गवर्नमेंट्स, अब ये सब क्लोज है, इसको बाद में पढ़ेंगे, द जनरल बैंकिंग बिजनेस ऑफ दीज गवर्नमेंट्स इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एग्रीमेंट।
तो दोस्तों जो जनरल बैंकिंग बिजनेस होगा इन गवर्नमेंट्स का, वेदर इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट और इट इज़ स्टेट गवर्नमेंट, इज़ कंडक्टेड, वो कंडक्ट कैसे होगा? इन अकॉर्डेंस विद एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों उसके हिसाब से होगा, एंड ऑफ द RBI एक्ट 1934, और दोस्तों उसके अंदर क्या है, RBI एक्ट 1934 का भी ध्यान रखा जाएगा, एंड सच ऑर्डर्स में फ्रॉम टाइम टू टाइम बी गिवन टू द बैंक बाय द गवर्नमेंट कंसर्न। ठीक है, तो दोस्तों टाइम टाइम पे जो रेगुलेशन आते रहते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसको होगा। और दोस्तों जो जनरल बैंकिंग बिजनेस है गवर्नमेंट का, उसके अंदर क्या क्या बातें आएगी, इन विच बिजनेस इज इंक्लूडेड द रिसिप्ट, पैसे का आना, कलेक्शन पैसे का आना, पेमेंट एंड रेमिटेंस ऑफ मनी ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेजरी एट एवरी स्टेशन, पेमेंट या तो पेमेंट करनी या रेमिटेंस ऑफ मनी यानी पैसे का लेना ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेजरी एट एवरी स्टेशन एट विच द RBI हैज इट्स ऑफिस और ब्रांच। और दोस्तों जहाँ पे जिस सिटी के अंदर ऐसी जगह पे जहाँ पे RBI का ऑफिस है या इसका ब्रांच है, ठीक है, तो वो दोस्तों क्या है, वहाँ पे ट्रेजरी के बिहाफ पे क्या है, पैसे का रेमिटेंस और पेमेंट करता है। ठीक है, उसको बोला ट्रेजरी ही जाता है, अगर ट्रेजरी होती तो ट्रेजरी करती, RBI कोई ऑफिस है, कोई ब्रांच है, राइट, तो उसको क्या है, वो ट्रेजरी के बिहाफ पे क्या है, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के पैसे का लेन देन करते हैं। एट विच देयर इज ब्रांच ऑफ द SBI और इट्स सब्सिडरी सर्विंग एट दिस एड्रेस, या तो दोस्तों RBI और इसकी ब्रांच हो जाएगी या SBI या उसकी कोई सब्सिडरी ब्रांच हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा काम जो करना है RBI एक्ट 1934 के हिसाब से, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या है RBI के साथ जो एग्रीमेंट किया है उसके हिसाब से क्या है चीज़ें होगी, राइट। नोट में देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम हैज़ नॉट सो फार एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद द RBI फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर ट्रेजरी बिजनेस बाय द बैंक। ठीक है, तो दोस्तों सिक्किम की गवर्नमेंट ने क्या है अभी इस एग्रीमेंट के अंदर नहीं आई है RBI के साथ, क्या करने के लिए, अपना ट्रेजरी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, राइट, ट्रेजरी बिजनेस को कंडक्ट करना है बैंक के द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों दो चीज़ें होगी, एक तो हो गया ट्रेजरी हो गई, ठीक है, एक हो गया दोस्तों बैंक हो गया। पहले अपने को बोला कि भैया ट्रेजरी जो है वो काम करती है सारे, ठीक, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट करना, ठीक है, रिसिप्ट करना सारे। अब दोस्तों जहाँ पे बैंकों की ब्रांचेज आ जाती है तो वो ट्रेजरी का काम बैंक करने लग जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे ट्रेजरी है वो बात तो ठीक है, ट्रेजरीज नहीं है तो दोस्तों उसका वो काम क्या करते हैं, बैंक करने लग जाते हैं, राइट। तो यही बात बोल दी, मतलब ट्रेजरी और बैंक में अंतर क्या है, कुछ नहीं है कि भाई वो पैसे का लेन देन वो भी कर रहा है, बैंक भी क्या कर रहा है, पैसे का लेन देन कर रहा है, लेकिन जहाँ पे ट्रेजरी है वहाँ ट्रेजरी करेगी, ट्रेजरी नहीं है तो बैंक करेगी। और दोस्तों जहाँ पे ट्रेजरी नहीं है, बैंक उसके बिहाफ पे काम कर रहा है ट्रेजरी के, तो उसको दोस्तों बोल देते हैं ट्रेजरी ब्रांच बोल देते हैं बैंक की। ठीक है, तो दोस्तों शब्दों का खेल है और कुछ इसमें कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए दोस्तों क्या दिया गया है 3.38 में, द रिजल्ट्स ऑफ ऑल ऑडिट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द कैग विच आर सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन ड्यूटी एज द केस फॉर प्रेजेंटेशन टू द कंसर्न्ड लेजिस्लेचर, राइट। तो दोस्तों प्रीवियस अपनों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले जो इनिशियल अकाउंट जो बनाते हैं, इनिशियल अकाउंट बाय द इंडिविजुअल हु अकर ट्रांजेक्शन, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन अकर करता है वो अपना इनिशियल अकाउंट बनाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा दोस्तों, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दे देगा। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, सभी लोगों से जो अकाउंट आया है, जो ट्रांजेक्शन्स आई है, उनको कंपाइल करेगा और दोस्तों CAG को दे देगा। CAG क्या करता है दोस्तों, कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट बनाता है पूरा। ठीक है, और दोस्तों ये सारा जो है पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट में पेश दोस्तों किसके थ्रू किया जाता है, प्रेसिडेंट, गवर्नर और जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी, कैग पहले इनको देगा, ये फिर क्या करेंगे पार्लियामेंट पे दे देंगे, राइट। और पार्लियामेंट में दोस्तों किसको दे देंगे, लोकसभा स्पीकर को दे देंगे, वो फिर आगे क्या है, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ वगैरह हैं उनको दे दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, द रिजल्ट्स ऑफ ऑल ऑडिट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द कैग, दोस्तों जो भी इसके पास कैग के पास क्या सारे जो जितने भी अकाउंट्स आए थे तो उनको ऑडिट करा जाता है और उनकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, वो दोस्तों किसको सबमिट कर दी जाएगी, प्रेसिडेंट, गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर को। ठीक है, और ये दोस्तों कंसर्न लेजिस्लेचर के अंदर उसको पेश करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट के अंदर होता क्या है, तो ऑडिट रिपोर्ट, द ऑडिट रिपोर्ट्स ब्रिंग आउट केसेज ऑफ सिग्निफिकेंट वेरिएशंस फ्रॉम द फंड्स वोटेड बाय द लेजिस्लेचर। तो दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या है, ऐसे केसेज होते हैं, ठीक है, कि केसेज सिग्निफिकेंट वेरिएशंस फ्रॉम द फंड्स वेटेड बाय द लेजिस्लेचर। अब दोस्तों लेजिस्लेचर ने मान लो 100 रुपये क्या वोट किए थे, ठीक है, अब उसके अंदर मान लो या तो 150 रुपये खर्च हो गया या ओनली 50 रुपये खर्च हुआ है, मतलब कोई कुछ वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आएंगे तो वो क्या है उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। दूसरा दोस्तों एक्सेस ओवर वोटेड ग्रांट्स, दोस्तों जितनी ग्रांट वोट करी थी उससे ज़्यादा खर्चा हो गया,
वो चीज़ें आएगी। एंड चार्ड अप्रोप्रिएशंस, राइट दोस्तों, जो चार्ट जो खर्चा था वो आएगा। एक्सपेंडिचर ऑन न्यू सर्विस नॉट कंप्लीटेड इन द बजट, दोस्तों जो बजट के अंदर जिसकी बात नहीं थी जिस सर्विस की और उसके ऊपर क्या है खर्चा हो गया वो सारी चीज़ें होगी। इररेगुलर एक्सपेंडिचर की बात होगी, लॉसेस होगी, वेस्टफुल होगी, इनफ्रक्टुअस और इन इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर, दोस्तों जो अपव्यय तरीके से पैसा खर्च किया उसकी बात होगी। कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यूज अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, और दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यूज़ होंगे किस पे कि कैसे आप डेवलपमेंट कर सकते हो, प्रोग्राम कैसे कर सकते हो, स्कीम्स कैसे हो सकते हो, तो वो सारी चीज़ें जो क्या है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करी जाएगी। राइट, तो इजी बात है दोस्तों, ये प्रोसेस आपको याद रखना है। इसके बाद ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या होगा वो इसके अंदर पिंक से मैंने जो लिखा है इसके अंदर बताया गया है। राइट, आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए दोस्तों 3.39 में दिया गया है, आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट्स। अब दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट आ गई, फाइनेंस अकाउंट्स एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स हैव बीन प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट। ठीक है, अब दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर आ गई। ठीक है, दोबारा देखिए दोस्तों, इनिशियल अकाउंट कौन बनाता है, इनिशियल अकाउंट कौन बनाता है जिसने ट्रांजेक्शन करी है, ट्रांजेक्शन अकर करी है। ठीक है, इनिशियल अकाउंट वो बनाएगा। ये क्या करेंगे दोस्तों, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दे दिया। ये दोस्तों क्या करेंगे, इन अकाउंट्स को कंपाइल करेंगे जो सभी जगह से आए हैं और क्या है कैग को दे देंगे। ठीक है, कैग से दोस्तों ये सभी जगह से आए थे, इनका कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट बनाएगा तथा इसके साथ साथ दोस्तों इसकी एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, कैग का ये काम है, ऑडिट रिपोर्ट बना दी। फिर दोस्तों ये क्या है, प्रेजिडेंट, गवर्नर, प्रेजिडेंट यूनियन, गवर्नर स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर जो है यूटी का, इनको दे देगा। ये लोग क्या करेंगे दोस्तों, पार्लियामेंट में इसको टेबल कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों इस स्टेप पे अपने, आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट्स फाइनेंस अकाउंट्स एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स हैव बीन प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट, दे आर एग्जामिन्ड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर क्या होगा, बहुत सारी समितियाँ बनी होती हैं, कमेटीज़ बनी होती हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब दोस्तों इसका नाम ही देखिए, पब्लिक अकाउंट्स, अकाउंट्स नाम है ना इसका, तो अकाउंट्स की जांच करेगी ये, ऑब्वियस ही बात है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, कमेटी ऑफ पार्लियामेंट सेट अप अंडर द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा। ठीक है, तो दोस्तों लोकसभा के अंदर क्या है, इसकी जाँच करी जाएगी जो भी ऑडिट रिपोर्ट आई है। राइट, तो ये चीज़ समझ में आई दोस्तों आपको। तो ये दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 3 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है दोस्तों चैप्टर नंबर 4 जो है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, करेंसी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, रिसोर्स अरेंजमेंट के बारे में। तो उसके अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा कोई मुझे इंपॉर्टेंट बात लगी नहीं, फिर भी 2-4-5 पैरा जो इंपॉर्टेंट है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। राइट, तो दोस्तों PDF चाहिए तो आप PDF SAS एग्ज़ाम जो है ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर अपना चैनल है PDF SAS एग्ज़ाम। राइट, एक दोस्तों ग्रुप है PDF SAS एग्ज़ाम, पीछे ग्रुप लगा दोगे तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। राइट, इसके अंदर दोस्तों आप क्या है मैसेज सेंड कर सकते हो। इसको तो मैंने प्राइवेट रखा गया है ताकि कोई भी अननेसेसरी दोस्तों कोई भी बात उसके अंदर ना हो और चीज़ें आपको क्या है सीरियल वाइज मिलती रहे। यस और नो, तो दोस्तों आज तक जो भी पढ़ा है सबकी PDF आपको PDF SAS एग्ज़ाम में मिल जाएगी। यस और नो, कोई भी डाउट है तो दोस्तों कमेंट करके आप बता सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।